this question is describe the problems of the universal definition of the marriage, कि जो marriage की universal definition है उसके बारे में describe करिए। पहला तो क्या हो जाएगा, as this question is asking about the universal definition of marriage, so that's why आपका major focus रहेगा universal definition जो कि आपका आएगा under the body part। एंड मैरिज के केस में अगर हम देखें तो मैरिज से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन देना। ये चीज़ हमें सबसे पहले सीख लेनी है कि हमें किसी भी क्वेश्चन में अप्रोच कैसा रखना है। उसी के बेसिस पर आप मैरिज का डेफिनेशन डाल दोगे एंड देन आप उसके बाद डालोगे बॉडी पार्ट में उसका यूनिवर्सल डेफिनेशन जो है वो क्या और किस तरीके से रहता है। मैरिज के केस में हम बोले इवन वी कैन मेंशन हियर देयर इज़ वन पर्टिकुलर थिंग, हाई हॉर्स। हाई हॉर्स बेसिकली क्या था, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका के एक यंग डेकोटन थे। सो ही यूज टू गिव वन फ्रेज, वो एक फ्रेज देते हैं और बहुत ही उनका ये लाइक प्रोमिनेंट है फ्रेज। वो क्या होता है, ही वॉन्ट टू मैरी गुड प्लम, जो है उनसे वो मैरी करना चाहते हैं एंड दैट्स वाई तब वो उस टाइम पे मैरिज का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं। सो इन दैट डिस्क्रिप्शन उन्होंने बोला दैट कि मैरिज जो है वो किस लिए किया जाता है। मैरिज फर्स्ट is for love, second is for some duties and responsibility, and third one is to have family. So it means marriage, it is a kind of social institution क्यों किया जा रहा है। So you can mention that the high horse, the young Dakotan of the North America, and he want to marry the good plum. So ये एक description होता है जिसके बारे में marriage जो है चल रहा है। It means कि marriage एक तरीके का social institution है और ये इंस्टीट्यूशन क्या करता है जिसमें इंडिविजुअल मैन एंड अलाइक दे यूज टू मैरी। अब यहाँ हम ये नहीं डालेंगे मैन एंड वेमेन, क्यों, बिकॉज सेम सेक्स मैरिजेस दे आर लीगलाइज। इवन वी हैड सीन द केस ऑफ द सोलोगैमी। रिसेंटली सोलोगैमी जो है गुजरात की एक लड़की ने किया था, अभी उसने अपना 1 ईयर एनिवर्सरी भी जो है सेलिब्रेट किया है। ठीक है, सो वी कैन थिंक ऑफ लाइक दैट कि मैरिजेस जो है वो क्या और किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैरिज का बेसिक मीनिंग शो कर देंगे। मैरिज के केस में ये जो क्वेश्चन है इसमें आप डायग्राम का स्कोप नहीं शो कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एक तो ये है 20 मार्क का क्वेश्चन, ऊपर से इसमें प्रॉब्लम यूनिवर्सल डेफिनेशन की पूछी है, तो मैरिज का डायग्राम तो नहीं इसमें आ सकता है। बाकी के क्वेश्चन में मैरिज का डायग्राम हम डालेंगे, प्रॉपर मैरिज डाल के फिर उसके बाद कैसे कैसे जो है चीज़ें आगे जो है वर्क करती हैं, लाइक कि क्या क्या उनके रिलेटेड इम्प्लिसिट थिंग्स रहती हैं अंडर द मैरिज, सो उन सब चीज़ों को हम डाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सैलिटी ऑफ द मैरिज। इस क्वेश्चन में मार्क्स कहाँ से आएंगे, इस क्वेश्चन में मार्क्स आएंगे अगर आप नेम डालोगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, अगर आप डालोगे उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी। अब एग्जामिनर को ये तो नहीं है कि उनको ये पता होगा कि इस एग्जामिनर ने ये डेफिनेशन दी थी, क्योंकि इतनी मेमोरी बेस्ड चीज़ें नहीं होती है, बट ये ज़रूर पता होता है कि किस तरीके की डेफिनेशन जो है वो सही रही होगी। सो फर्स्ट डेफिनेशन बाय एडवर्ड वेस्टमार्क, उन्होंने क्या बोला था कि डेफिनेशन जो उन्होंने दी थी, उन्होंने बोला कि ये यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका मानना क्या, उनके अकॉर्डिंग क्या था, दे यूज टू सिंग कि मैरिज क्या है, वो एक सेरेमोनियल इंस्टीट्यूशन है, बट देयर आर सम ऑफ द मैरिजेस जहाँ कोर्ट मैरिज कर ली जाती है, कोई सेरेमनी नहीं होती, कोई कोई क्या होते हैं प्राइवेट में मैरिजेस कर लेते हैं। मैरिज तो उनका भी बोला जाएगा ना, इट मीन्स कि कोई हमारे पास ऐसी पर्टिकुलर लाइक पॉइंट नहीं है कि हम बोलेंगे कि मैरिज अगर आपने सब रिलेटिव्स को मिला कर किया हो तभी उसको मैरिज माना जाएगा। समटाइम्स क्या होता है मैरिज के केस में क्या बोलते हैं, दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रेजिडेंशियल कोहैबिटेशन। अगर हम बात करें देयर आर सम ऑफ द मैरिजेज जिसमें पर्सन जो है वो एक ही रूफ के नीचे नहीं रहते हैं, यहाँ हमें केस स्टडीज डालनी होगी। केस स्टडीज हम किसकी डालेंगे, नायर ऑफ द केरला, ठीक है, आप दोनों को पता होगा नायर ऑफ द केरला, न्यूर ऑफ अफ्रीका, आई होप उनका भी आपको पता होगा न्यूर ऑफ अफ्रीका, तो इन दोनों का एग्जाम्पल यहाँ आना ही चाहिए। एक आप हाई हॉर्स का डाल दोगे, एक आप इसमें डाल दोगे किसका, सोलोगैमी का। वाई, बिकॉज इसमें क्या बोला गया था, चलिए सेम सेक्स मैरिज का तो हम नहीं डाल सकते, सोलोगैमी का डाल सकते हैं। वाई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट इन्होंने बोला मैरिज मीन्स व्हाट, दैट इंडिविजुअल मैन एंड अलाइक्स मैरिज करते हैं, बट इन केस ऑफ द सोलोगैमी, जब सोलोगैमी में सिंगल पर्सन अपने आप से ही मैरिज कर रहा है और वो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं कि खुद ही वो अपना टेक केयर करेंगे, खुद ही वो अपना रेजिडेंशियल कोहैबिटेशन रहेगा, सो उन सब चीज़ों को वो कर रहे हैं। सो दैट्स वाई आप बोलोगे कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द एडवर्ड वेस्टमार्क जो ये है यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। आफ्टर दैट आप जो है मूडो का डेफिनेशन भी मेंशन करोगे, वो क्या बोलते हैं कि मैरिज एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है जिसमें रेजिडेंशियल कोहैबिटेशन रहे, बट कुछ मैरिजेज ऐसी है जिसमें साथ में नहीं रहते हैं, सो वो भी एक जो है पॉइंट निकल कर आता है। ऐसे ही आप सेलिगमन का डेफिनेशन जो है वो आप मेंशन करोगे, दैट क्या है, इट्स अ यूनियन बिटवीन द मैन एंड द वुमेन, जिसमें वो क्या होता है दैट जो चाइल्ड बोर्न होगा उसको हम एक लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग मानेंगे। बट न्यूर ऑफ अफ्रीका में लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग तो होता है बट वो वुमेन और वुमेन दोनों वुमेन होती है, उनके केस में होता है। सो दैट इज़ बेसिकली द केस। सो केस स्टडी आप इसमें शो करोगे। सो यू वुड से कि क्या आप उसको मैरिज बोल सकते हो, वहाँ पर इसको मैरिज बोला जाता है। इट मीन्स दैट कि जो मैरिज के बेसिक फीचर है दैट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इन द नायर ऑफ केरला इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं होता है, रेजिडेंशियल कोहैबिटेशन वो भी नहीं रहता है। सो और उसके बाद लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग उसको नाम दिया जाएगा वो भी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मामा या नाना का नेम दे दिया जाता है। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग, ठीक है, ओके। सो मॉडर्न डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आप शो कर दोगे एंड इन द एंड यू वुड मेंशन द कंक्लूजन। इन द कंक्लूजन आप मेंशन करोगे दैट मैरिज इज यूनिवर्सल बिकॉज इन ऑल दी पर्टिकुलर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो भी हैं सब में मैरिज होती है, बट The thing is that definition of the marriage is not universal. आप ये मेंशन करोगे, ये आपको स्ट्रेट अवे वर्ड में मेंशन करना पड़ेगा। Why? Because अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम या उसके बेसिस पर देखें तो मैरिज इज समथिंग जिसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हर एक पर्टिकुलर वे में लाइक लिव इन रिलेशनशिप यूएसए में या अदरवाइज वहाँ पर दैट इज कंसीडर एज अ टाइप ऑफ द मैरिज, वो इसको मैरिज की तरह कंसीडर करते हैं बट उसमें लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू अस हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो मैरिज नहीं है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम देखें तो कोई भी मैरिज मैरिज नहीं निकलेगी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें, बट अदर थिंग्स जो हैं वो भी साथ में आ जाती है। सो ये आप बिल्कुल शो करोगे, मैरिज इज यूनिवर्सल बट द डेफिनेशन हैज़ नो यूनिवर्सलिटी, एंड आप जो है चीज़ों को शो